हेलो गाइस, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस, अगर आप लोगों को मेरा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। साथ के साथ आप बेल आइकन पर भी क्लिक कर सकते हैं, जिससे कि आपको जल्द से जल्द हमारी मूवी की रिव्यू के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। गाइज, आप हमारे वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। गाइज, आप हमसे जुड़े रहने के लिए, अधिक जुड़े रहने के लिए आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक पेज पर भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सो गाइज, आज जो मैं मूवी लेकर आई हूँ, ये एक हॉलीवुड मूवी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। आई होप आप लोगों को इस मूवी में काफ़ी मज़ा आने वाला, बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है। सो गाइज, इस मूवी का जो नाम है वो नाम है मैजिक वैली। मैजिक वैली जो मूवी है, ये 2011 में रिलीज़ हुई थी। गाइज, ये मूवी एक अमेरिकन ड्रामा फिल्म रही है, डायरेक्टर बाय जेफी जेन, और स्टार जो रहे हैं इसके स्कॉट ग्लिन और कैली गैडनर और एलिसन एलियट और ब्रांड विलियम हैंक और मैथ्यू ग्रे गुबलर एंड विल एस्टीज। सो गाइज, अब इस मूवी के बारे में थोड़े डिटेल्स में ब्रीफ में जान लेते हैं। गाइज, इस मूवी के जो डायरेक्टर हों जेफी जिन हैं, और रिटन बाय जेफी जिन, प्रोड्यूस बाय हेटर रे, और इस मूवी के जो स्टार रहे हैं वो स्कॉट ग्लिन रहे हैं, केली गैलनर रहे हैं, एलिसन एलियट रहे हैं, ब्रैड विलियम हैनकी रहे हैं, मैथ्यू ग्रे गुबलर रहे हैं और विल एस्टेट रहे हैं। इस मूवी को जो एडिट किया है वो जेफी जिन ने किया है, और म्यूज़िक बाय जो दिया है वो मैट्स हेल्बर्ग ने दिया है, स्टीव डेमस्ट्रा ने दिया है। सो गाइस, इस मूवी के जो प्रोडक्शन कंपनीज रहे हैं वो प्रोमिनेंट पिक्चर्स रही हैं, हजार्ड फिल्म वर्क्स रहे हैं और फॉक्सटेल प्रोडक्शन रहे हैं। जान लेते हैं अब इस मूवी की रिलीजिंग डेट, रनिंग टाइम और कंट्री और लैंग्वेज। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी वो प्रोमिनेंट पिक्चर्स और हजार्ड फिल्म वर्क्स और
फॉक्सटेल प्रोडक्शन रही है। सो गाइस, मूवी की जो रिलीजिंग डेट रही है वो दो रिलीजिंग डेट रही है। फर्स्ट वन जो थी वो 31 अक्टूबर 2011 रही है रोम फिल्म फेस्टिवल में, और सेकंड वन जो थी वो 9 अप्रैल 2013 रही है VOD में। इस मूवी की जो रनिंग टाइम रहा है वो 85 मिनट्स रहा है। कंट्री इसकी यूनाइटेड स्टेट रही है, लैंग्वेज इसकी इंग्लिश रही है। हेलो गाइस, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस, अगर आप लोगों को मेरा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। साथ के साथ आप बेल आइकन पर भी क्लिक कर सकते हैं, जिससे कि आपको जल्द से जल्द हमारी मूवी की रिव्यू के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। गाइस, आप हमारे वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। गाइस, आप हमसे जुड़े रहने के लिए, अधिक जुड़े रहने के लिए आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक पेज पर भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सो गाइस, आज जो मैं मूवी लेकर आई हूँ ये एक हॉलीवुड मूवी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। आई होप आप लोगों को इस मूवी में काफ़ी मज़ा आने वाला, बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है। सो गाइस, इस मूवी का जो नाम है वो नाम है मैजिक वैली। मैजिक वैली जो मूवी है ये 2011 में रिलीज़ हुई थी। गाइस, ये मूवी एक अमेरिकन ड्रामा फिल्म रही है, डायरेक्टर बाय जेफी जेन, और स्टार जो रहे हैं इसके स्कॉट ग्लिन और कैली गैडनर और एलिसन एलियट और ब्रांड विलियम हैंक और मैथ्यू ग्रे गुबलर एंड विल स्टीज। सो गाइस, अब इस मूवी के बारे में थोड़े डिटेल्स में ब्रीफ में जान लेते हैं। गाइस, इस मूवी के जो डायरेक्टर हों जेफी जिन हैं, और रिटन बाय जेफी जिन, प्रोड्यूस बाय हेटर रे, और इस मूवी के जो स्टार रहे हैं वो स्कॉट ग्लिन रहे हैं, केली गैलनर रहे हैं, एलिसन एलियट रहे हैं, ब्रैड विलियम हैनकी रहे हैं, मैथ्यू ग्रे गुबलर रहे हैं और विल एस्टेट रहे हैं। इस मूवी को जो एडिट किया है वो जेफी जिन ने किया है, और म्यूज़िक बाय जो दिया है वो मैट्स हेल बर्ग ने दिया है, स्टीव डेमस्ट्रा ने दिया है। सो गाइस, इस मूवी के जो प्रोडक्शन कंपनीज रहे हैं वो प्रोमिनेंट पिक्चर्स रही हैं, हजार्ड फिल्म वर्क्स रहे हैं और फॉक्सटेल प्रोडक्शन रहे हैं। जान लेते हैं अब इस मूवी की रिलीजिंग डेट, रनिंग टाइम और कंट्री और लैंग्वेज। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी वो प्रोमिनेंट पिक्चर्स और हजार्ड फिल्म वर्क्स और फॉक्सटेल प्रोडक्शन रही हैं। सो गाइस, मूवी की जो रिलीजिंग डेट रही है वो दो रिलीजिंग डेट रही है। फर्स्ट वन जो थी वो 31 अक्टूबर 2011 रही है रोम फिल्म फेस्टिवल में, और सेकंड वन जो थी वो 9 अप्रैल 2013 रही है VOD में। इस मूवी की जो रनिंग टाइम रहा है वो 85 मिनट्स रहा है। कंट्री इसकी यूनाइटेड स्टेट रही है, लैंग्वेज इसकी इंग्लिश रही है। हेलो गाइस, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस, अगर आप लोगों को मेरा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। साथ के साथ आप बेल आइकन पर भी क्लिक कर सकते हैं, जिससे कि आपको जल्द से जल्द हमारी मूवी की रिव्यू के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। गाइस, आप हमारे वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। गाइस, आप हमसे जुड़े रहने के लिए, अधिक जुड़े रहने के लिए आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक पेज पर भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सो गाइस, आज जो मैं मूवी लेकर आई हूँ ये एक हॉलीवुड मूवी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। आई होप आप लोगों को इस मूवी में काफ़ी मज़ा आने वाला, बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है। सो गाइस, इस मूवी का जो नाम है वो नाम है मैजिक वैली।
मैजिक वैली जो मूवी है ये 2011 में रिलीज़ हुई थी गाइस। ये मूवी एक अमेरिकन ड्रामा फिल्म रही है, डायरेक्टर बाय जेफी जेन और स्टार जो रहे हैं इसके स्कॉट ग्लिन और कैली गैडनर और एलिसन एलियट और ब्रांड विलियम हैंक और मैथ्यू ग्रे गुबलर एंड विल स्टीज। सो गाइज अब इस मूवी के बारे में थोड़े डिटेल्स में ब्रीफ में जान लेते हैं। गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हों जेफी जिन रहे हैं और रिटन बाय जेफी जिन, प्रोड्यूस बाय हेटर रे और इस मूवी के जो स्टार रहे हैं वह स्कॉट ग्लिन रहे हैं, केली केलनर रहे हैं, एलिसन एलियोट रहे हैं, ब्रैड विलम हैनकी रहे हैं, मैथ्यू ग्रे गुबलर रहे हैं और विल एस्टेट रहे हैं। इस मूवी को जो एडिट किया है वो जेफी जिन ने किया है और म्यूजिक बाय जो दिया है वो मैट्स हेल बर्क ने दिया है, स्टीव डेमस्ट्रा ने दिया है। सो गाइस इस मूवी के जो प्रोडक्शन कंपनीज रहे हैं वो प्रोमिनेंट पिक्चर्स रही हैं, हजार्ड फिल्म वर्क्स रहे हैं और फॉक्सटेल प्रोडक्शन रहे हैं। जान लेते हैं अब इस मूवी की रिलीजिंग डेट, रनिंग टाइम और कंट्री और लैंग्वेज। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी वो प्रोमिनेंट पिक्चर्स और हजार्ड फिल्म वर्क्स और फॉक्सटेल प्रोडक्शन रही हैं। सो गाइस इस मूवी की जो रिलीजिंग डेट रही है वो दो रिलीजिंग डेट रही है। फर्स्ट वन जो थी वो 31 अक्टूबर 2011 रही है रोम फिल्म फेस्टिवल में, और सेकंड वन जो थी वो 9 अप्रैल 2013 रही है VOD में। इस मूवी की जो रनिंग टाइम रहा है वो 85 मिनट्स रहा है। कंट्री इसकी यूनाइटेड स्टेट रही है, लैंग्वेज इसकी इंग्लिश रही है। हेलो गाइस वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस अगर आप लोगों को मेरा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। साथ के साथ आप बेल आइकन पर भी क्लिक कर सकते हैं जिससे कि आपको जल्द से जल्द हमारी मूवी की रिव्यू के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। गाइज आप हमारे वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। गाइज आप हमसे जुड़े रहने के लिए, अधिक जुड़े रहने के लिए आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक पेज पर भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सो गाइज आज जो मैं मूवी लेकर आई हूँ ये एक हॉलीवुड मूवी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। आई होप आप लोगों को इस मूवी में काफ़ी मज़ा आने वाला, बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है। सो गाइज इस मूवी का जो नाम है वो नाम है मैजिक वैली। मैजिक वैली जो मूवी है ये 2011 में रिलीज़ हुई थी। गाइस ये मूवी एक अमेरिकन ड्रामा फिल्म रही है, डायरेक्टर बाय जेफी जेन और स्टार जो रहे हैं इसके स्कॉट ग्लिन और कैली गैडनर और एलिसन एलियट और ब्रांड विलियम हैंक और मैथ्यू ग्रे गुबलर एंड विल स्टीज। सो गाइज अब इस मूवी के बारे में थोड़े डिटेल्स में ब्रीफ में जान लेते हैं। गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हों जेफी जिन रहे हैं और रिटन बाय जेफी जिन, प्रोड्यूस बाय हेटर रे और इस मूवी के जो स्टार रहे हैं वह स्कॉट ग्लिन रहे हैं, केली केलनर रहे हैं, एलिसन एलियोट रहे हैं, ब्रैड विलम हैनकी रहे हैं, मैथ्यू ग्रे गुबलर रहे हैं और विल एस्टेट रहे हैं। इस मूवी को जो एडिट किया है वो जेफी जिन ने किया है और म्यूजिक बाय जो दिया है वो मैट्स हेल बर्क ने दिया है, स्टीव डेमस्ट्रा ने दिया है। सो गाइस इस मूवी के जो प्रोडक्शन कंपनीज रहे हैं वो प्रोमिनेंट पिक्चर्स रही हैं, हजार्ड फिल्म वर्क्स रहे हैं और फॉक्सटेल प्रोडक्शन रहे हैं। जान लेते हैं अब इस मूवी की रिलीजिंग डेट, रनिंग टाइम और कंट्री और लैंग्वेज। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी वो प्रोमिनेंट पिक्चर्स और हजार्ड फिल्म वर्क्स और फॉक्सटेल प्रोडक्शन रही हैं।
सो गाइस, मूवी की जो रिलीजिंग डेट रही है वो दो रिलीजिंग डेट रही है। फर्स्ट वन जो थी वो 31 अक्टूबर 2011 रही है रोम फिल्म फेस्टिवल में, और सेकंड वन जो थी वो 9 अप्रैल 2013 रही है VOD में। इस मूवी की जो रनिंग टाइम रहा है वो 85 मिनट्स रहा है। कंट्री इसकी यूनाइटेड स्टेट रही है, लैंग्वेज इसकी इंग्लिश रही है। हेलो गाइस, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस, अगर आप लोगों को मेरा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। साथ के साथ आप बेल आइकन पर भी क्लिक कर सकते हैं, जिससे कि आपको जल्द से जल्द हमारी मूवी की रिव्यू के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। गाइस, आप हमारे वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। गाइस, आप हमसे जुड़े रहने के लिए, अधिक जुड़े रहने के लिए आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक पेज पर भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सो गाइस, आज जो मैं मूवी लेकर आई हूँ ये एक हॉलीवुड मूवी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। आई होप आप लोगों को इस मूवी में काफ़ी मज़ा आने वाला, बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है। सो गाइस, इस मूवी का जो नाम है वो नाम है मैजिक वैली। मैजिक वैली जो मूवी है ये 2011 में रिलीज़ हुई थी। गाइस, ये मूवी एक अमेरिकन ड्रामा फिल्म रही है, डायरेक्टर बाय जेफी जेन, और स्टार जो रहे हैं इसके स्कॉट ग्लिन और कैली गैडनर और एलिसन एलियट और ब्रांड विलियम हैंक और मैथ्यू ग्रे गुबलर एंड विल स्टीज। सो गाइस, अब इस मूवी के बारे में थोड़े डिटेल्स में ब्रीफ में जान लेते हैं। गाइस, इस मूवी के जो डायरेक्टर हों जेफी जिन हैं, और रिटन बाय जेफी जिन, प्रोड्यूस बाय हेटर रे, और इस मूवी के जो स्टार रहे हैं वो स्कॉट ग्लिन रहे हैं, केली गैलनर रहे हैं, एलिसन एलियट रहे हैं, ब्रैड विलम हैनकी रहे हैं, मैथ्यू ग्रे गुबलर रहे हैं और विल एस्टेट रहे हैं। इस मूवी को जो एडिट किया है वो जेफी जिन ने किया है, और म्यूज़िक बाय जो दिया है वो मैट्स हेल बर्ग ने दिया है, स्टीव डेमस्ट्रा ने दिया है। सो गाइस, इस मूवी के जो प्रोडक्शन कंपनीज रहे हैं वो प्रोमिनेंट पिक्चर्स रहे हैं, हजार्ड फिल्म वर्क्स रहे हैं और फॉक्सटेल प्रोडक्शन रहे हैं। जान लेते हैं अब इस मूवी की रिलीजिंग डेट, रनिंग टाइम और कंट्री और लैंग्वेज। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी वो प्रोमिनेंट पिक्चर्स और हजार्ड फिल्म वर्क्स और फॉक्सटेल प्रोडक्शन रही हैं। सो गाइस, मूवी की जो रिलीजिंग डेट रही है वो दो रिलीजिंग डेट रही है। फर्स्ट वन जो थी वो 31 अक्टूबर 2011 रही है रोम फिल्म फेस्टिवल में, और सेकंड वन जो थी वो 9 अप्रैल 2013 रही है VOD में। इस मूवी की जो रनिंग टाइम रहा है वो 85 मिनट्स रहा है। कंट्री इसकी यूनाइटेड स्टेट रही है, लैंग्वेज इसकी इंग्लिश रही है। हेलो गाइस, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस, अगर आप लोगों को मेरा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। साथ के साथ आप बेल आइकन पर भी क्लिक कर सकते हैं, जिससे कि आपको जल्द से जल्द हमारी मूवी की रिव्यू के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। गाइस, आप हमारे वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। गाइस, आप हमसे जुड़े रहने के लिए, अधिक जुड़े रहने के लिए आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक पेज पर भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सो गाइस, आज जो मैं मूवी लेकर आई हूँ ये एक हॉलीवुड मूवी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। आई होप आप लोगों को इस मूवी में काफ़ी मज़ा आने वाला, बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है। सो गाइस, इस मूवी का जो नाम है वो नाम है मैजिक वैली।
मैजिक वैली जो मूवी है ये 2011 में रिलीज़ हुई थी गाइस। ये मूवी एक अमेरिकन ड्रामा फिल्म रही है, डायरेक्टर बाय जेफी जेन और स्टार जो रहे हैं इसके स्कॉट ग्लिन और कैली गैडनर और एलिसन एलियट और ब्रांड विलियम हैंक और मैथ्यू ग्रे गुबलर एंड विल एस्ट स्टीज। सो गाइज अब इस मूवी के बारे में थोड़े डिटेल्स में ब्रीफ में जान लेते हैं। गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हों जेफी जिन हैं और रिटन बाय जेफी जिन, प्रोड्यूस बाय हेटर रे और इस मूवी के जो स्टार रहे हैं वह स्कॉट ग्लिन रहे हैं, कैली गैलनर रहे हैं, एलिसन एलियट रहे हैं, ब्रैड विलम हैनकी रहे हैं, मैथ्यू ग्रे गुबलर रहे हैं और विल एस्टेट रहे हैं। इस मूवी को जो एडिट किया है वो जेफी जिन ने किया है और म्यूज़िक बाय जो दिया है वो मैट्स हेल बर्ग ने दिया है, स्टीव डेमस्ट्रा ने दिया है। सो गाइस इस मूवी के जो प्रोडक्शन कंपनीज रहे हैं वो प्रोमिनेंट पिक्चर्स रहे हैं, हजार्ड फिल्म वर्क्स रहे हैं और फॉक्सटेल प्रोडक्शन रहे हैं। जान लेते हैं अब इस मूवी की रिलीजिंग डेट, रनिंग टाइम और कंट्री और लैंग्वेज। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी वो प्रोमिनेंट पिक्चर्स और हजार्ड फिल्म वर्क्स और फॉक्सटेल प्रोडक्शन रही हैं। सो गाइस इस मूवी की जो रिलीजिंग डेट रही है वो दो रिलीजिंग डेट रही है। फर्स्ट वन जो थी वो 31 अक्टूबर 2011 रही है रोम फिल्म फेस्टिवल में और सेकंड वन जो थी वो 9 अप्रैल 2013 रही है वीओडी में। इस मूवी की जो रनिंग टाइम रहा है वो 85 मिनट्स रहा है। कंट्री इसकी यूनाइटेड स्टेट रही है, लैंग्वेज इसकी इंग्लिश रही है। हेलो गाइस वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस अगर आप लोगों को मेरा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। साथ के साथ आप बेल आइकन पर भी क्लिक कर सकते हैं जिससे कि आपको जल्द से जल्द हमारी मूवी की रिव्यू के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। गाइज आप हमारे वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। गाइज आप हमसे जुड़े रहने के लिए, अधिक जुड़े रहने के लिए आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक पेज पर भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सो गाइज आज जो मैं मूवी लेकर आई हूँ ये एक हॉलीवुड मूवी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। आई होप आप लोगों को इस मूवी में काफ़ी मज़ा आने वाला, बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है। सो गाइज इस मूवी का जो नाम है वो नाम है मैजिक वैली। मैजिक वैली जो मूवी है ये 2011 में रिलीज़ हुई थी। गाइज ये मूवी एक अमेरिकन ड्रामा फिल्म रही है, डायरेक्टर बाय जेफी जेन और स्टार जो रहे हैं इसके स्कॉट ग्लिन और कैली गैडनर और एलिसन एलियट और ब्रांड विलियम हैंक और मैथ्यू ग्रे गुबलर एंड विल एस्ट स्टीज। सो गाइज अब इस मूवी के बारे में थोड़े डिटेल्स में ब्रीफ में जान लेते हैं। गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हों जेफी जिन हैं और रिटन बाय जेफी जिन, प्रोड्यूस बाय हेटर रे और इस मूवी के जो स्टार रहे हैं वह स्कॉट ग्लिन रहे हैं, कैली गैलनर रहे हैं, एलिसन एलियट रहे हैं, ब्रैड विलम हैनकी रहे हैं, मैथ्यू ग्रे गुबलर रहे हैं और विल एस्टेट रहे हैं। इस मूवी को जो एडिट किया है वो जेफी जिन ने किया है और म्यूज़िक बाय जो दिया है वो मैट्स हेल बर्ग ने दिया है, स्टीव डेमस्ट्रा ने दिया है। सो गाइस इस मूवी के जो प्रोडक्शन कंपनीज रहे हैं वो प्रोमिनेंट पिक्चर्स रहे हैं, हजार्ड फिल्म वर्क्स रहे हैं और फॉक्सटेल प्रोडक्शन रहे हैं। जान लेते हैं अब इस मूवी की रिलीजिंग डेट, रनिंग टाइम और कंट्री और लैंग्वेज। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी वो प्रोमिनेंट पिक्चर्स और हजार्ड फिल्म वर्क्स और
फॉक्सटेल प्रोडक्शन रही है। सो गाइस, मूवी की जो रिलीजिंग डेट रही है वो दो रिलीजिंग डेट रही है। फर्स्ट वन जो थी वो 31 अक्टूबर 2011 रही है रोम फिल्म फेस्टिवल में, और सेकंड वन जो थी वो 9 अप्रैल 2013 रही है VOD में। इस मूवी की जो रनिंग टाइम रहा है वो 85 मिनट्स रहा है। कंट्री इसकी यूनाइटेड स्टेट रही है, लैंग्वेज इसकी इंग्लिश रही है। हेलो गाइस, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस, अगर आप लोगों को मेरा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। साथ के साथ आप बेल आइकन पर भी क्लिक कर सकते हैं, जिससे कि आपको जल्द से जल्द हमारी मूवी की रिव्यू के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। गाइस, आप हमारे वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। गाइस, आप हमसे जुड़े रहने के लिए, अधिक जुड़े रहने के लिए आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक पेज पर भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सो गाइस, आज जो मैं मूवी लेकर आई हूँ ये एक हॉलीवुड मूवी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। आई होप आप लोगों को इस मूवी में काफ़ी मज़ा आने वाला, बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है। सो गाइस, इस मूवी का जो नाम है वो नाम है मैजिक वैली। मैजिक वैली जो मूवी है ये 2011 में रिलीज़ हुई थी। गाइस, ये मूवी एक अमेरिकन ड्रामा फिल्म रही है, डायरेक्टर बाय जेफी जेन, और स्टार जो रहे हैं इसके स्कॉट ग्लिन और कैली गैडनर और एलिसन एलियट और ब्रांड विलियम हैंक और मैथ्यू ग्रे गुबलर एंड विल स्टीज। सो गाइस, अब इस मूवी के बारे में थोड़े डिटेल्स में ब्रीफ में जान लेते हैं। गाइस, इस मूवी के जो डायरेक्टर हों जेफी जिन हैं, और रिटन बाय जेफी जिन, प्रोड्यूस बाय हेटर रे, और इस मूवी के जो स्टार रहे हैं वो स्कॉट ग्लिन रहे हैं, केली गैलनर रहे हैं, एलिसन एलियट रहे हैं, ब्रैड विलियम हैनकी रहे हैं, मैथ्यू ग्रे गुबलर रहे हैं और विल एस्टेट रहे हैं। इस मूवी को जो एडिट किया है वो जेफी जिन ने किया है, और म्यूज़िक बाय जो दिया है वो मैट्स हेल बर्ग ने दिया है, स्टीव डेमस्ट्रा ने दिया है। सो गाइस, इस मूवी के जो प्रोडक्शन कंपनीज रहे हैं वो प्रोमिनेंट पिक्चर्स रहे हैं, हजार्ड फिल्म वर्क्स रहे हैं और फॉक्सटेल प्रोडक्शन रहे हैं। जान लेते हैं अब इस मूवी की रिलीजिंग डेट, रनिंग टाइम और कंट्री और लैंग्वेज। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी वो प्रोमिनेंट पिक्चर्स और हजार्ड फिल्म वर्क्स और फॉक्सटेल प्रोडक्शन रही हैं। सो गाइस, मूवी की जो रिलीजिंग डेट रही है वो दो रिलीजिंग डेट रही है। फर्स्ट वन जो थी वो 31 अक्टूबर 2011 रही है रोम फिल्म फेस्टिवल में, और सेकंड वन जो थी वो 9 अप्रैल 2013 रही है VOD में। इस मूवी की जो रनिंग टाइम रहा है वो 85 मिनट्स रहा है। कंट्री इसकी यूनाइटेड स्टेट रही है, लैंग्वेज इसकी इंग्लिश रही है। हेलो गाइस, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस, अगर आप लोगों को मेरा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। साथ के साथ आप बेल आइकन पर भी क्लिक कर सकते हैं, जिससे कि आपको जल्द से जल्द हमारी मूवी की रिव्यू के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। गाइस, आप हमारे वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। गाइस, आप हमसे जुड़े रहने के लिए, अधिक जुड़े रहने के लिए आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक पेज पर भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सो गाइस, आज जो मैं मूवी लेकर आई हूँ ये एक हॉलीवुड मूवी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। आई होप आप लोगों को इस मूवी में काफ़ी मज़ा आने वाला, बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है। सो गाइस, इस मूवी का जो नाम है वो नाम है मैजिक वैली।
मैजिक वैली जो मूवी है ये 2011 में रिलीज़ हुई थी गाइस। ये मूवी एक अमेरिकन ड्रामा फिल्म रही है, डायरेक्टर बाय जेफी जेन और स्टार जो रहे हैं इसके स्कॉट ग्लिन और कैली गैडनर और एलिसन एलियट और ब्रांड विलियम हैंक और मैथ्यू ग्रे गुबलर एंड विल एस्ट स्टीज। सो गाइज अब इस मूवी के बारे में थोड़े डिटेल्स में ब्रीफ में जान लेते हैं। गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हों जेफी जिन हैं और रिटन बाय जेफी जिन प्रोड्यूस बाय हेटर रे और इस मूवी के जो स्टार रहे हैं वह स्कॉट ग्लिन रहे हैं, कैली गैलनर रहे हैं, एलिसन एलियट रहे हैं, ब्रैड विलम हैनकी रहे हैं, मैथ्यू ग्रे गुबलर रहे हैं और विल एस्टेट रहे हैं। इस मूवी को जो एडिट किया है वो जेफी जिन ने किया है और म्यूजिक बाय जो दिया है वो मैट्स हेल बर्ग ने दिया है, स्टीव डेमस्ट्रा ने दिया है। सो गाइस इस मूवी के जो प्रोडक्शन कंपनीज रहे हैं वो प्रोमिनेंट पिक्चर्स रहे हैं, हजार्ड फिल्म वर्क्स रहे हैं और फॉक्सटेल प्रोडक्शन रहे हैं। जान लेते हैं अब इस मूवी की रिलीजिंग डेट, रनिंग टाइम और कंट्री और लैंग्वेज। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी वो प्रोमिनेंट पिक्चर्स और हजार्ड फिल्म वर्क्स और फॉक्सटेल प्रोडक्शन रही हैं। सो गाइस इस मूवी की जो रिलीजिंग डेट रही है वो दो रिलीजिंग डेट रही है। फर्स्ट वन जो थी वो 31 अक्टूबर 2011 रही है रोम फिल्म फेस्टिवल में और सेकंड वन जो थी वो 9 अप्रैल 2013 रही है वीओडी में। इस मूवी की जो रनिंग टाइम रहा है वो 85 मिनट्स रहा है। कंट्री इसकी यूनाइटेड स्टेट रही है, लैंग्वेज इसकी इंग्लिश रही है। हेलो गाइस वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस अगर आप लोगों को मेरा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। साथ के साथ आप बेल आइकन पर भी क्लिक कर सकते हैं जिससे कि आपको जल्द से जल्द हमारी मूवी की रिव्यू के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। गाइज आप हमारे वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। गाइज आप हमसे जुड़े रहने के लिए, अधिक जुड़े रहने के लिए आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक पेज पर भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सो गाइज आज जो मैं मूवी लेकर आई हूँ ये एक हॉलीवुड मूवी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। आई होप आप लोगों को इस मूवी में काफ़ी मज़ा आने वाला, बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है। सो गाइज इस मूवी का जो नाम है वो नाम है मैजिक वैली। मैजिक वैली जो मूवी है ये 2011 में रिलीज़ हुई थी। गाइज ये मूवी एक अमेरिकन ड्रामा फिल्म रही है, डायरेक्टर बाय जेफी जेन और स्टार जो रहे हैं इसके स्कॉट ग्लिन और कैली गैडनर और एलिसन एलियट और ब्रांड विलियम हैंक और मैथ्यू ग्रे गुबलर एंड विल एस्ट स्टीज। सो गाइज अब इस मूवी के बारे में थोड़े डिटेल्स में ब्रीफ में जान लेते हैं। गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हों जेफी जिन हैं और रिटन बाय जेफी जिन प्रोड्यूस बाय हेटर रे और इस मूवी के जो स्टार रहे हैं वह स्कॉट ग्लिन रहे हैं, कैली गैलनर रहे हैं, एलिसन एलियट रहे हैं, ब्रैड विलम हैनकी रहे हैं, मैथ्यू ग्रे गुबलर रहे हैं और विल एस्टेट रहे हैं। इस मूवी को जो एडिट किया है वो जेफी जिन ने किया है और म्यूजिक बाय जो दिया है वो मैट्स हेल बर्ग ने दिया है, स्टीव डेमस्ट्रा ने दिया है। सो गाइस इस मूवी के जो प्रोडक्शन कंपनीज रहे हैं वो प्रोमिनेंट पिक्चर्स रहे हैं, हजार्ड फिल्म वर्क्स रहे हैं और फॉक्सटेल प्रोडक्शन रहे हैं। जान लेते हैं अब इस मूवी की रिलीजिंग डेट, रनिंग टाइम और कंट्री और लैंग्वेज। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी वो प्रोमिनेंट पिक्चर्स और हजार्ड फिल्म वर्क्स और
फॉक्सटेल प्रोडक्शन रही है। सो गाइस, मूवी की जो रिलीजिंग डेट रही है वो दो रिलीजिंग डेट रही है। फर्स्ट वन जो थी वो 31 अक्टूबर 2011 रही है रोम फिल्म फेस्टिवल में, और सेकंड वन जो थी वो 9 अप्रैल 2013 रही है VOD में। इस मूवी की जो रनिंग टाइम रहा है वो 85 मिनट्स रहा है। कंट्री इसकी यूनाइटेड स्टेट रही है, लैंग्वेज इसकी इंग्लिश रही है। हेलो गाइस, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस, अगर आप लोगों को मेरा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। साथ के साथ आप बेल आइकन पर भी क्लिक कर सकते हैं, जिससे कि आपको जल्द से जल्द हमारी मूवी की रिव्यू के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। गाइस, आप हमारे वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। गाइस, आप हमसे जुड़े रहने के लिए, अधिक जुड़े रहने के लिए आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक पेज पर भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सो गाइस, आज जो मैं मूवी लेकर आई हूँ ये एक हॉलीवुड मूवी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। आई होप आप लोगों को इस मूवी में काफ़ी मज़ा आने वाला, बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है। सो गाइस, इस मूवी का जो नाम है वो नाम है मैजिक वैली। मैजिक वैली जो मूवी है ये 2011 में रिलीज़ हुई थी। गाइस, ये मूवी एक अमेरिकन ड्रामा फिल्म रही है, डायरेक्टर बाय जेफी जेन, और स्टार जो रहे हैं इसके स्कॉट ग्लिन और कैली गैडनर और एलिसन एलियट और ब्रांड विलियम हैंक और मैथ्यू ग्रे गुबलर एंड विल स्टीज। सो गाइस, अब इस मूवी के बारे में थोड़े डिटेल्स में ब्रीफ में जान लेते हैं। गाइस, इस मूवी के जो डायरेक्टर हों जेफी जिन हैं, और रिटन बाय जेफी जिन, प्रोड्यूस बाय हेटर रे, और इस मूवी के जो स्टार रहे हैं वो स्कॉट ग्लिन रहे हैं, केली गैलनर रहे हैं, एलिसन एलियट रहे हैं, ब्रैड विलियम हैनकी रहे हैं, मैथ्यू ग्रे गुबलर रहे हैं और विल एस्टेट रहे हैं। इस मूवी को जो एडिट किया है वो जेफी जिन ने किया है, और म्यूज़िक बाय जो दिया है वो मैट्स हेल बर्ग ने दिया है, स्टीव डेमस्ट्रा ने दिया है। सो गाइस, इस मूवी के जो प्रोडक्शन कंपनीज रहे हैं वो प्रोमिनेंट पिक्चर्स रही हैं, हजार्ड फिल्म वर्क्स रहे हैं और फॉक्सटेल प्रोडक्शन रहे हैं। जान लेते हैं अब इस मूवी की रिलीजिंग डेट, रनिंग टाइम और कंट्री और लैंग्वेज। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी वो प्रोमिनेंट पिक्चर्स और हजार्ड फिल्म वर्क्स और फॉक्सटेल प्रोडक्शन रही हैं। सो गाइस, मूवी की जो रिलीजिंग डेट रही है वो दो रिलीजिंग डेट रही है। फर्स्ट वन जो थी वो 31 अक्टूबर 2011 रही है रोम फिल्म फेस्टिवल में, और सेकंड वन जो थी वो 9 अप्रैल 2013 रही है VOD में। इस मूवी की जो रनिंग टाइम रहा है वो 85 मिनट्स रहा है। कंट्री इसकी यूनाइटेड स्टेट रही है, लैंग्वेज इसकी इंग्लिश रही है। हेलो गाइस, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस, अगर आप लोगों को मेरा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। साथ के साथ आप बेल आइकन पर भी क्लिक कर सकते हैं, जिससे कि आपको जल्द से जल्द हमारी मूवी की रिव्यू के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। गाइस, आप हमारे वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। गाइस, आप हमसे जुड़े रहने के लिए, अधिक जुड़े रहने के लिए आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक पेज पर भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सो गाइस, आज जो मैं मूवी लेकर आई हूँ ये एक हॉलीवुड मूवी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। आई होप आप लोगों को इस मूवी में काफ़ी मज़ा आने वाला, बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है। सो गाइस, इस मूवी का जो नाम है वो नाम है मैजिक वैली।
मैजिक वैली जो मूवी है ये 2011 में रिलीज़ हुई थी गाइस। ये मूवी एक अमेरिकन ड्रामा फिल्म रही है, डायरेक्टर बाय जेफी जेन और स्टार जो रहे हैं इसके स्कॉट ग्लिन और कैली गैडनर और एलिसन एलियट और ब्रांड विलियम हैंक और मैथ्यू ग्रे गुबलर एंड विल एस्ट स्टीज। सो गाइज अब इस मूवी के बारे में थोड़े डिटेल्स में ब्रीफ में जान लेते हैं। गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हों जेफी जिन हैं और रिटन बाय जेफी जिन प्रोड्यूस बाय हेटर रे और इस मूवी के जो स्टार रहे हैं वह स्कॉट ग्लिन रहे हैं, कैली गैलनर रहे हैं, एलिसन एलियट रहे हैं, ब्रैड विलम हैनकी रहे हैं, मैथ्यू ग्रे गुबलर रहे हैं और विल एस्टेट रहे हैं। इस मूवी को जो एडिट किया है वो जेफी जिन ने किया है और म्यूज़िक बाय जो दिया है वो मैट्स हेल बर्क ने दिया है, स्टीव डेमस्ट्रा ने दिया है। सो गाइस इस मूवी के जो प्रोडक्शन कंपनीज रहे हैं वो प्रोमिनेंट पिक्चर्स रहे हैं, हजार्ड फिल्म वर्क्स रहे हैं और फॉक्सटेल प्रोडक्शन रहे हैं। जान लेते हैं अब इस मूवी की रिलीजिंग डेट, रनिंग टाइम और कंट्री और लैंग्वेज। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी वो प्रोमिनेंट पिक्चर्स और हजार्ड फिल्म वर्क्स और फॉक्सटेल प्रोडक्शन रही हैं। सो गाइस इस मूवी की जो रिलीजिंग डेट रही है वो दो रिलीजिंग डेट रही है। फर्स्ट वन जो थी वो 31 अक्टूबर 2011 रही है रोम फिल्म फेस्टिवल में और सेकंड वन जो थी वो 9 अप्रैल 2013 रही है वीओडी में। इस मूवी की जो रनिंग टाइम रहा है वो 85 मिनट्स रहा है। कंट्री इसकी यूनाइटेड स्टेट रही है, लैंग्वेज इसकी इंग्लिश रही है। हेलो गाइस वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस अगर आप लोगों को मेरा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। साथ के साथ आप बेल आइकन पर भी क्लिक कर सकते हैं जिससे कि आपको जल्द से जल्द हमारी मूवी की रिव्यू के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। गाइज आप हमारे वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। गाइज आप हमसे जुड़े रहने के लिए, अधिक जुड़े रहने के लिए आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक पेज पर भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सो गाइज आज जो मैं मूवी लेकर आई हूँ ये एक हॉलीवुड मूवी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। आई होप आप लोगों को इस मूवी में काफ़ी मज़ा आने वाला, बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है। सो गाइज इस मूवी का जो नाम है वो नाम है मैजिक वैली। मैजिक वैली जो मूवी है ये 2011 में रिलीज़ हुई थी। गाइज ये मूवी एक अमेरिकन ड्रामा फिल्म रही है, डायरेक्टर बाय जेफी जेन और स्टार जो रहे हैं इसके स्कॉट ग्लिन और कैली गैडनर और एलिसन एलियट और ब्रांड विलियम हैंक और मैथ्यू ग्रे गुबलर एंड विल एस्ट स्टीज। सो गाइज अब इस मूवी के बारे में थोड़े डिटेल्स में ब्रीफ में जान लेते हैं। गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हों जेफी जिन हैं और रिटन बाय जेफी जिन प्रोड्यूस बाय हेटर रे और इस मूवी के जो स्टार रहे हैं वह स्कॉट ग्लिन रहे हैं, कैली गैलनर रहे हैं, एलिसन एलियट रहे हैं, ब्रैड विलम हैनकी रहे हैं, मैथ्यू ग्रे गुबलर रहे हैं और विल एस्टेट रहे हैं। इस मूवी को जो एडिट किया है वो जेफी जिन ने किया है और म्यूज़िक बाय जो दिया है वो मैट्स हेल बर्क ने दिया है, स्टीव डेमस्ट्रा ने दिया है। सो गाइस इस मूवी के जो प्रोडक्शन कंपनीज रहे हैं वो प्रोमिनेंट पिक्चर्स रहे हैं, हजार्ड फिल्म वर्क्स रहे हैं और फॉक्सटेल प्रोडक्शन रहे हैं। जान लेते हैं अब इस मूवी की रिलीजिंग डेट, रनिंग टाइम और कंट्री और लैंग्वेज। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी वो प्रोमिनेंट पिक्चर्स और हजार्ड फिल्म वर्क्स और फॉक्सटेल प्रोडक्शन रही हैं।
सो गाइस, मूवी की जो रिलीजिंग डेट रही है वो दो रिलीजिंग डेट रही है। फर्स्ट वन जो थी वो 31 अक्टूबर 2011 रही है रोम फिल्म फेस्टिवल में, और सेकंड वन जो थी वो 9 अप्रैल 2013 रही है VOD में। इस मूवी की जो रनिंग टाइम रहा है वो 85 मिनट्स रहा है। कंट्री इसकी यूनाइटेड स्टेट रही है, लैंग्वेज इसकी इंग्लिश रही है। हेलो गाइस, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस, अगर आप लोगों को मेरा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। साथ के साथ आप बेल आइकन पर भी क्लिक कर सकते हैं, जिससे कि आपको जल्द से जल्द हमारी मूवी की रिव्यू के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। गाइस, आप हमारे वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। गाइस, आप हमसे जुड़े रहने के लिए, अधिक जुड़े रहने के लिए आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक पेज पर भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सो गाइस, आज जो मैं मूवी लेकर आई हूँ ये एक हॉलीवुड मूवी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। आई होप आप लोगों को इस मूवी में काफ़ी मज़ा आने वाला, बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है। सो गाइस, इस मूवी का जो नाम है वो नाम है मैजिक वैली। मैजिक वैली जो मूवी है ये 2011 में रिलीज़ हुई थी। गाइस, ये मूवी एक अमेरिकन ड्रामा फिल्म रही है, डायरेक्टर बाय जेफी जेन, और स्टार जो रहे हैं इसके स्कॉट ग्लिन और कैली गैडनर और एलिसन एलियट और ब्रांड विलियम हैंक और मैथ्यू ग्रे गुबलर एंड विल स्टीज। सो गाइस, अब इस मूवी के बारे में थोड़े डिटेल्स में ब्रीफ में जान लेते हैं। गाइस, इस मूवी के जो डायरेक्टर हों जेफी जिन हैं, और रिटन बाय जेफी जिन, प्रोड्यूस बाय हेटर रे, और इस मूवी के जो स्टार रहे हैं वो स्कॉट ग्लिन रहे हैं, केली गैलनर रहे हैं, एलिसन एलियट रहे हैं, ब्रैड विलम हैनकी रहे हैं, मैथ्यू ग्रे गुबलर रहे हैं और विल एस्टेट रहे हैं। इस मूवी को जो एडिट किया है वो जेफी जिन ने किया है, और म्यूज़िक बाय जो दिया है वो मैट्स हेल बर्ग ने दिया है, स्टीव डेमस्ट्रा ने दिया है। सो गाइस, इस मूवी के जो प्रोडक्शन कंपनीज रहे हैं वो प्रोमिनेंट पिक्चर्स रहे हैं, हजार्ड फिल्म वर्क्स रहे हैं और फॉक्सटेल प्रोडक्शन रहे हैं। जान लेते हैं अब इस मूवी की रिलीजिंग डेट, रनिंग टाइम और कंट्री और लैंग्वेज। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी वो प्रोमिनेंट पिक्चर्स और हजार्ड फिल्म वर्क्स और फॉक्सटेल प्रोडक्शन रही हैं। सो गाइस, मूवी की जो रिलीजिंग डेट रही है वो दो रिलीजिंग डेट रही है। फर्स्ट वन जो थी वो 31 अक्टूबर 2011 रही है रोम फिल्म फेस्टिवल में, और सेकंड वन जो थी वो 9 अप्रैल 2013 रही है VOD में। इस मूवी की जो रनिंग टाइम रहा है वो 85 मिनट्स रहा है। कंट्री इसकी यूनाइटेड स्टेट रही है, लैंग्वेज इसकी इंग्लिश रही है। हेलो गाइस, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस, अगर आप लोगों को मेरा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। साथ के साथ आप बेल आइकन पर भी क्लिक कर सकते हैं, जिससे कि आपको जल्द से जल्द हमारी मूवी की रिव्यू के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। गाइस, आप हमारे वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। गाइस, आप हमसे जुड़े रहने के लिए, अधिक जुड़े रहने के लिए आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक पेज पर भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सो गाइस, आज जो मैं मूवी लेकर आई हूँ ये एक हॉलीवुड मूवी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। आई होप आप लोगों को इस मूवी में काफ़ी मज़ा आने वाला, बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है। सो गाइस, इस मूवी का जो नाम है वो नाम है मैजिक वैली।
मैजिक वैली जो मूवी है ये 2011 में रिलीज़ हुई थी गाइस। ये मूवी एक अमेरिकन ड्रामा फिल्म रही है, डायरेक्टर बाय जेफी जेन और स्टार जो रहे हैं इसके स्कॉट ग्लिन और कैली गैडनर और एलिसन एलियट और ब्रांड विलियम हैंक और मैथ्यू ग्रे गुबलर एंड विल स्टीज। सो गाइज अब इस मूवी के बारे में थोड़े डिटेल्स में ब्रीफ में जान लेते हैं। गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हों जेफी जिन रहे हैं और रिटन बाय जेफी जिन, प्रोड्यूस बाय हेटर रे और इस मूवी के जो स्टार रहे हैं वह स्कॉट ग्लिन रहे हैं, केली केलनर रहे हैं, एलिसन एलियोट रहे हैं, ब्रैड विलम हैनकी रहे हैं, मैथ्यू ग्रे गुबलर रहे हैं और विल एस्टेट रहे हैं। इस मूवी को जो एडिट किया है वो जेफी जिन ने किया है और म्यूजिक बाय जो दिया है वो मैड्स हेल बर्ग ने दिया है, स्टीव डेमस्ट्रा ने दिया है। सो गाइस इस मूवी के जो प्रोडक्शन कंपनीज रहे हैं वो प्रोमिनेंट पिक्चर्स रही हैं, हजार्ड फिल्म वर्क्स रहे हैं और फॉक्सटेल प्रोडक्शन रहे हैं। जान लेते हैं अब इस मूवी की रिलीजिंग डेट, रनिंग टाइम और कंट्री और लैंग्वेज। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी वो प्रोमिनेंट पिक्चर्स और हजार्ड फिल्म वर्क्स और फॉक्सटेल प्रोडक्शन रही हैं। सो गाइस इस मूवी की जो रिलीजिंग डेट रही है वो दो रिलीजिंग डेट रही है। फर्स्ट वन जो थी वो 31 अक्टूबर 2011 रही है रोम फिल्म फेस्टिवल में और सेकंड वन जो थी वो 9 अप्रैल 2013 रही है VOD में। इस मूवी की जो रनिंग टाइम रहा है वो 85 मिनट्स रहा है। कंट्री इसकी यूनाइटेड स्टेट रही है, लैंग्वेज इसकी इंग्लिश रही है। हेलो गाइस वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे। गाइस अगर आप लोगों को मेरा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। साथ के साथ आप बेल आइकन पर भी क्लिक कर सकते हैं जिससे कि आपको जल्द से जल्द हमारी मूवी की रिव्यू के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। गाइज आप हमारे वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। गाइज आप हमसे जुड़े रहने के लिए, अधिक जुड़े रहने के लिए आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक पेज पर भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सो गाइज आज जो मैं मूवी लेकर आई हूँ ये एक हॉलीवुड मूवी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। आई होप आप लोगों को इस मूवी में काफ़ी मज़ा आने वाला, बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है। सो गाइज इस मूवी का जो नाम है वो नाम है मैजिक वैली। मैजिक वैली जो मूवी है ये 2011 में रिलीज़ हुई थी। गाइस ये मूवी एक अमेरिकन ड्रामा फिल्म रही है, डायरेक्टर बाय जेफी जेन और स्टार जो रहे हैं इसके स्कॉट ग्लिन और कैली गैडनर और एलिसन एलियट और ब्रांड विलियम हैंक और मैथ्यू ग्रे गुबलर एंड विल स्टीज। सो गाइज अब इस मूवी के बारे में थोड़े डिटेल्स में ब्रीफ में जान लेते हैं। गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हों जेफी जिन रहे हैं और रिटन बाय जेफी जिन, प्रोड्यूस बाय हेटर रे और इस मूवी के जो स्टार रहे हैं वह स्कॉट ग्लिन रहे हैं, केली केलनर रहे हैं, एलिसन एलियोट रहे हैं, ब्रैड विलम हैनकी रहे हैं, मैथ्यू ग्रे गुबलर रहे हैं और विल एस्टेट रहे हैं। इस मूवी को जो एडिट किया है वो जेफी जिन ने किया है और म्यूजिक बाय जो दिया है वो मैड्स हेल बर्ग ने दिया है, स्टीव डेमस्ट्रा ने दिया है। सो गाइस इस मूवी के जो प्रोडक्शन कंपनीज रहे हैं वो प्रोमिनेंट पिक्चर्स रही हैं, हजार्ड फिल्म वर्क्स रहे हैं और फॉक्सटेल प्रोडक्शन रहे हैं। जान लेते हैं अब इस मूवी की रिलीजिंग डेट, रनिंग टाइम और कंट्री और लैंग्वेज। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी वो प्रोमिनेंट पिक्चर्स और हजार्ड फिल्म वर्क्स और फॉक्सटेल प्रोडक्शन रही हैं।
सो गाइस, मूवी की जो रिलीजिंग डेट रही है वो दो रिलीजिंग डेट रही है। फर्स्ट वन जो थी वो 31 अक्टूबर 2011 रही है रोम फिल्म फेस्टिवल में, और सेकंड वन जो थी वो 9 अप्रैल 2013 रही है VOD में। इस मूवी की जो रनिंग टाइम रहा है वो 85 मिनट्स रहा है। कंट्री इसकी यूनाइटेड स्टेट रही है, लैंग्वेज इसकी इंग्लिश रही है। हेलो गाइस, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस, अगर आप लोगों को मेरा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। साथ के साथ आप बेल आइकन पर भी क्लिक कर सकते हैं, जिससे कि आपको जल्द से जल्द हमारी मूवी की रिव्यू के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। गाइस, आप हमारे वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। गाइस, आप हमसे जुड़े रहने के लिए, अधिक जुड़े रहने के लिए आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक पेज पर भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सो गाइस, आज जो मैं मूवी लेकर आई हूँ ये एक हॉलीवुड मूवी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। आई होप आप लोगों को इस मूवी में काफ़ी मज़ा आने वाला, बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है। सो गाइस, इस मूवी का जो नाम है वो नाम है मैजिक वैली। मैजिक वैली जो मूवी है ये 2011 में रिलीज़ हुई थी। गाइस, ये मूवी एक अमेरिकन ड्रामा फिल्म रही है, डायरेक्टर बाय जेफी जेन, और स्टार जो रहे हैं इसके स्कॉट ग्लिन और कैली गैडनर और एलिसन एलियट और ब्रांड विलियम हैंक और मैथ्यू ग्रे गुबलर एंड विल स्टीज। सो गाइस, अब इस मूवी के बारे में थोड़े डिटेल्स में ब्रीफ में जान लेते हैं। गाइस, इस मूवी के जो डायरेक्टर हों जेफी जिन हैं, और रिटन बाय जेफी जिन, प्रोड्यूस बाय हेटर रे, और इस मूवी के जो स्टार रहे हैं वो स्कॉट ग्लिन रहे हैं, केली गैलनर रहे हैं, एलिसन एलियट रहे हैं, ब्रैड विलम हैनकी रहे हैं, मैथ्यू ग्रे गुबलर रहे हैं और विल एस्टेट रहे हैं। इस मूवी को जो एडिट किया है वो जेफी जिन ने किया है, और म्यूज़िक बाय जो दिया है वो मैट्स हेल बर्ग ने दिया है, स्टीव डेमस्ट्रा ने दिया है। सो गाइस, इस मूवी के जो प्रोडक्शन कंपनीज रहे हैं वो प्रोमिनेंट पिक्चर्स रहे हैं, हजार्ड फिल्म वर्क्स रहे हैं और फॉक्सटेल प्रोडक्शन रहे हैं। जान लेते हैं अब इस मूवी की रिलीजिंग डेट, रनिंग टाइम और कंट्री और लैंग्वेज। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी वो प्रोमिनेंट पिक्चर्स और हजार्ड फिल्म वर्क्स और फॉक्सटेल प्रोडक्शन रही हैं। सो गाइस, मूवी की जो रिलीजिंग डेट रही है वो दो रिलीजिंग डेट रही है। फर्स्ट वन जो थी वो 31 अक्टूबर 2011 रही है रोम फिल्म फेस्टिवल में, और सेकंड वन जो थी वो 9 अप्रैल 2013 रही है VOD में। इस मूवी की जो रनिंग टाइम रहा है वो 85 मिनट्स रहा है। कंट्री इसकी यूनाइटेड स्टेट रही है, लैंग्वेज इसकी इंग्लिश रही है। हेलो गाइस, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस, अगर आप लोगों को मेरा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। साथ के साथ आप बेल आइकन पर भी क्लिक कर सकते हैं, जिससे कि आपको जल्द से जल्द हमारी मूवी की रिव्यू के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। गाइस, आप हमारे वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। गाइस, आप हमसे जुड़े रहने के लिए, अधिक जुड़े रहने के लिए आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक पेज पर भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सो गाइस, आज जो मैं मूवी लेकर आई हूँ ये एक हॉलीवुड मूवी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। आई होप आप लोगों को इस मूवी में काफ़ी मज़ा आने वाला, बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है। सो गाइस, इस मूवी का जो नाम है वो नाम है मैजिक वैली।
मैजिक वैली जो मूवी है ये 2011 में रिलीज़ हुई थी गाइस। ये मूवी एक अमेरिकन ड्रामा फिल्म रही है, डायरेक्टर बाय जेफी जेन और स्टार जो रहे हैं इसके स्कॉट ग्लिन और कैली गैडनर और एलिसन एलियट और ब्रांड विलियम हैंक और मैथ्यू ग्रे गुबलर एंड विल स्टीज। सो गाइज अब इस मूवी के बारे में थोड़े डिटेल्स में ब्रीफ में जान लेते हैं। गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हों जेफी जिन रहे हैं और रिटन बाय जेफी जिन, प्रोड्यूस बाय हेटर रे और इस मूवी के जो स्टार रहे हैं वह स्कॉट ग्लिन रहे हैं, केली गेलनर रहे हैं, एलिसन एलियोट रहे हैं, ब्रैड विलम हैनकी रहे हैं, मैथ्यू ग्रे गुबलर रहे हैं और विल एस्टेट रहे हैं। इस मूवी को जो एडिट किया है वो जेफी जिन ने किया है और म्यूजिक बाय जो दिया है वो मैट्स हेल बर्क ने दिया है, स्टीव डेमस्ट्रा ने दिया है। सो गाइस इस मूवी के जो प्रोडक्शन कंपनीज रहे हैं वो प्रोमिनेंट पिक्चर्स रही हैं, हजार्ड फिल्म वर्क्स रहे हैं और फॉक्सटेल प्रोडक्शन रहे हैं। जान लेते हैं अब इस मूवी की रिलीजिंग डेट, रनिंग टाइम और कंट्री और लैंग्वेज। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी वो प्रोमिनेंट पिक्चर्स और हजार्ड फिल्म वर्क्स और फॉक्सटेल प्रोडक्शन रही हैं। सो गाइस इस मूवी की जो रिलीजिंग डेट रही है वो दो रिलीजिंग डेट रही है। फर्स्ट वन जो थी वो 31 अक्टूबर 2011 रही है रोम फिल्म फेस्टिवल में और सेकंड वन जो थी वो 9 अप्रैल 2013 रही है वीओडी में। इस मूवी की जो रनिंग टाइम रहा है वो 85 मिनट्स रहा है। कंट्री इसकी यूनाइटेड स्टेट रही है, लैंग्वेज इसकी इंग्लिश रही है। हेलो गाइस वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे। गाइस अगर आप लोगों को मेरा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। साथ के साथ आप बेल आइकन पर भी क्लिक कर सकते हैं जिससे कि आपको जल्द से जल्द हमारी मूवी की रिव्यू के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। गाइज आप हमारे वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। गाइज आप हमसे जुड़े रहने के लिए, अधिक जुड़े रहने के लिए आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक पेज पर भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सो गाइज आज जो मैं मूवी लेकर आई हूँ ये एक हॉलीवुड मूवी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। आई होप आप लोगों को इस मूवी में काफ़ी मज़ा आने वाला, बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है। सो गाइज इस मूवी का जो नाम है वो नाम है मैजिक वैली। मैजिक वैली जो मूवी है ये 2011 में रिलीज़ हुई थी। गाइस ये मूवी एक अमेरिकन ड्रामा फिल्म रही है, डायरेक्टर बाय जेफी जेन और स्टार जो रहे हैं इसके स्कॉट ग्लिन और कैली गैडनर और एलिसन एलियट और ब्रांड विलियम हैंक और मैथ्यू ग्रे गुबलर एंड विल स्टीज। सो गाइज अब इस मूवी के बारे में थोड़े डिटेल्स में ब्रीफ में जान लेते हैं। गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हों जेफी जिन रहे हैं और रिटन बाय जेफी जिन, प्रोड्यूस बाय हेटर रे और इस मूवी के जो स्टार रहे हैं वह स्कॉट ग्लिन रहे हैं, केली गेलनर रहे हैं, एलिसन एलियोट रहे हैं, ब्रैड विलम हैनकी रहे हैं, मैथ्यू ग्रे गुबलर रहे हैं और विल एस्टेट रहे हैं। इस मूवी को जो एडिट किया है वो जेफी जिन ने किया है और म्यूजिक बाय जो दिया है वो मैट्स हेल बर्क ने दिया है, स्टीव डेमस्ट्रा ने दिया है। सो गाइस इस मूवी के जो प्रोडक्शन कंपनीज रहे हैं वो प्रोमिनेंट पिक्चर्स रही हैं, हजार्ड फिल्म वर्क्स रहे हैं और फॉक्सटेल प्रोडक्शन रहे हैं। जान लेते हैं अब इस मूवी की रिलीजिंग डेट, रनिंग टाइम और कंट्री और लैंग्वेज। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी वो प्रोमिनेंट पिक्चर्स और हजार्ड फिल्म वर्क्स और
फॉक्सटेल प्रोडक्शन रही है। सो गाइस, मूवी की जो रिलीजिंग डेट रही है वो दो रिलीजिंग डेट रही है। फर्स्ट वन जो थी वो 31 अक्टूबर 2011 रही है रोम फिल्म फेस्टिवल में, और सेकंड वन जो थी वो 9 अप्रैल 2013 रही है VOD में। इस मूवी की जो रनिंग टाइम रहा है वो 85 मिनट्स रहा है। कंट्री इसकी यूनाइटेड स्टेट रही है, लैंग्वेज इसकी इंग्लिश रही है। हेलो गाइस, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस, अगर आप लोगों को मेरा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। साथ के साथ आप बेल आइकन पर भी क्लिक कर सकते हैं, जिससे कि आपको जल्द से जल्द हमारी मूवी की रिव्यू के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। गाइस, आप हमारे वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। गाइस, आप हमसे जुड़े रहने के लिए, अधिक जुड़े रहने के लिए आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक पेज पर भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सो गाइस, आज जो मैं मूवी लेकर आई हूँ ये एक हॉलीवुड मूवी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। आई होप आप लोगों को इस मूवी में काफ़ी मज़ा आने वाला, बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है। सो गाइस, इस मूवी का जो नाम है वो नाम है मैजिक वैली। मैजिक वैली जो मूवी है ये 2011 में रिलीज़ हुई थी। गाइस, ये मूवी एक अमेरिकन ड्रामा फिल्म रही है, डायरेक्टर बाय जेफी जेन, और स्टार जो रहे हैं इसके स्कॉट ग्लिन और कैली गैडनर और एलिसन एलियट और ब्रांड विलियम हैंक और मैथ्यू ग्रे गुबलर एंड विल स्टीज। सो गाइस, अब इस मूवी के बारे में थोड़े डिटेल्स में ब्रीफ में जान लेते हैं। गाइस, इस मूवी के जो डायरेक्टर हों जेफी जिन हैं, और रिटन बाय जेफी जिन, प्रोड्यूस बाय हेटर रे, और इस मूवी के जो स्टार रहे हैं वो स्कॉट ग्लिन रहे हैं, केली गैलनर रहे हैं, एलिसन एलियट रहे हैं, ब्रैड विलियम हैनकी रहे हैं, मैथ्यू ग्रे गुबलर रहे हैं और विल एस्टेट रहे हैं। इस मूवी को जो एडिट किया है वो जेफी जिन ने किया है, और म्यूज़िक बाय जो दिया है वो मैट्स हेल बर्ग ने दिया है, स्टीव डेमस्ट्रा ने दिया है। सो गाइस, इस मूवी के जो प्रोडक्शन कंपनीज रहे हैं वो प्रोमिनेंट पिक्चर्स रही हैं, हजार्ड फिल्म वर्क्स रहे हैं और फॉक्सटेल प्रोडक्शन रहे हैं। जान लेते हैं अब इस मूवी की रिलीजिंग डेट, रनिंग टाइम और कंट्री और लैंग्वेज। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी वो प्रोमिनेंट पिक्चर्स और हजार्ड फिल्म वर्क्स और फॉक्सटेल प्रोडक्शन रही हैं। सो गाइस, मूवी की जो रिलीजिंग डेट रही है वो दो रिलीजिंग डेट रही है। फर्स्ट वन जो थी वो 31 अक्टूबर 2011 रही है रोम फिल्म फेस्टिवल में, और सेकंड वन जो थी वो 9 अप्रैल 2013 रही है VOD में। इस मूवी की जो रनिंग टाइम रहा है वो 85 मिनट्स रहा है। कंट्री इसकी यूनाइटेड स्टेट रही है, लैंग्वेज इसकी इंग्लिश रही है। हेलो गाइस, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस, अगर आप लोगों को मेरा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। साथ के साथ आप बेल आइकन पर भी क्लिक कर सकते हैं, जिससे कि आपको जल्द से जल्द हमारी मूवी की रिव्यू के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। गाइस, आप हमारे वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। गाइस, आप हमसे जुड़े रहने के लिए, अधिक जुड़े रहने के लिए आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक पेज पर भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सो गाइस, आज जो मैं मूवी लेकर आई हूँ ये एक हॉलीवुड मूवी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। आई होप आप लोगों को इस मूवी में काफ़ी मज़ा आने वाला, बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है। सो गाइस, इस मूवी का जो नाम है वो नाम है मैजिक वैली।
मैजिक वैली जो मूवी है ये 2011 में रिलीज़ हुई थी गाइस। ये मूवी एक अमेरिकन ड्रामा फिल्म रही है, डायरेक्टर बाय जेफी जेन और स्टार जो रहे हैं इसके स्कॉट ग्लिन और कैली गैडनर और एलिसन एलियट और ब्रांड विलियम हैंक और मैथ्यू ग्रे गुबलर एंड विल एस्ट स्टीज। सो गाइज अब इस मूवी के बारे में थोड़े डिटेल्स में ब्रीफ में जान लेते हैं। गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हों जेफी जिन हैं और रिटन बाय जेफी जिन, प्रोड्यूस बाय हेटर रे और इस मूवी के जो स्टार रहे हैं वह स्कॉट ग्लिन रहे हैं, कैली गैलनर रहे हैं, एलिसन एलियट रहे हैं, ब्रैड विलम हैनकी रहे हैं, मैथ्यू ग्रे गुबलर रहे हैं और विल एस्टेट रहे हैं। इस मूवी को जो एडिट किया है वो जेफी जिन ने किया है और म्यूज़िक बाय जो दिया है वो मैट्स हेल बर्ग ने दिया है, स्टीव डेमस्ट्रा ने दिया है। सो गाइस इस मूवी के जो प्रोडक्शन कंपनीज रहे हैं वो प्रोमिनेंट पिक्चर्स रहे हैं, हजार्ड फिल्म वर्क्स रहे हैं और फॉक्सटेल प्रोडक्शन रहे हैं। जान लेते हैं अब इस मूवी की रिलीजिंग डेट, रनिंग टाइम और कंट्री और लैंग्वेज। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी वो प्रोमिनेंट पिक्चर्स और हजार्ड फिल्म वर्क्स और फॉक्सटेल प्रोडक्शन रही हैं। सो गाइस इस मूवी की जो रिलीजिंग डेट रही है वो दो रिलीजिंग डेट रही है। फर्स्ट वन जो थी वो 31 अक्टूबर 2011 रही है रोम फिल्म फेस्टिवल में और सेकंड वन जो थी वो 9 अप्रैल 2013 रही है वीओडी में। इस मूवी की जो रनिंग टाइम रहा है वो 85 मिनट्स रहा है। कंट्री इसकी यूनाइटेड स्टेट रही है, लैंग्वेज इसकी इंग्लिश रही है। हेलो गाइस वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस अगर आप लोगों को मेरा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। साथ के साथ आप बेल आइकन पर भी क्लिक कर सकते हैं जिससे कि आपको जल्द से जल्द हमारी मूवी की रिव्यू के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। गाइज आप हमारे वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। गाइज आप हमसे जुड़े रहने के लिए, अधिक जुड़े रहने के लिए आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक पेज पर भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सो गाइज आज जो मैं मूवी लेकर आई हूँ ये एक हॉलीवुड मूवी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। आई होप आप लोगों को इस मूवी में काफ़ी मज़ा आने वाला, बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है। सो गाइज इस मूवी का जो नाम है वो नाम है मैजिक वैली। मैजिक वैली जो मूवी है ये 2011 में रिलीज़ हुई थी। गाइज ये मूवी एक अमेरिकन ड्रामा फिल्म रही है, डायरेक्टर बाय जेफी जेन और स्टार जो रहे हैं इसके स्कॉट ग्लिन और कैली गैडनर और एलिसन एलियट और ब्रांड विलियम हैंक और मैथ्यू ग्रे गुबलर एंड विल एस्ट स्टीज। सो गाइज अब इस मूवी के बारे में थोड़े डिटेल्स में ब्रीफ में जान लेते हैं। गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हों जेफी जिन हैं और रिटन बाय जेफी जिन, प्रोड्यूस बाय हेटर रे और इस मूवी के जो स्टार रहे हैं वह स्कॉट ग्लिन रहे हैं, कैली गैलनर रहे हैं, एलिसन एलियट रहे हैं, ब्रैड विलम हैनकी रहे हैं, मैथ्यू ग्रे गुबलर रहे हैं और विल एस्टेट रहे हैं। इस मूवी को जो एडिट किया है वो जेफी जिन ने किया है और म्यूज़िक बाय जो दिया है वो मैट्स हेल बर्ग ने दिया है, स्टीव डेमस्ट्रा ने दिया है। सो गाइस इस मूवी के जो प्रोडक्शन कंपनीज रहे हैं वो प्रोमिनेंट पिक्चर्स रहे हैं, हजार्ड फिल्म वर्क्स रहे हैं और फॉक्सटेल प्रोडक्शन रहे हैं। जान लेते हैं अब इस मूवी की रिलीजिंग डेट, रनिंग टाइम और कंट्री और लैंग्वेज। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी वो प्रोमिनेंट पिक्चर्स और हजार्ड फिल्म वर्क्स और फॉक्सटेल प्रोडक्शन रही हैं।
सो गाइस, मूवी की जो रिलीजिंग डेट रही है वो दो रिलीजिंग डेट रही है। फर्स्ट वन जो थी वो 31 अक्टूबर 2011 रही है रोम फिल्म फेस्टिवल में, और सेकंड वन जो थी वो 9 अप्रैल 2013 रही है VOD में। इस मूवी की जो रनिंग टाइम रहा है वो 85 मिनट्स रहा है। कंट्री इसकी यूनाइटेड स्टेट रही है, लैंग्वेज इसकी इंग्लिश रही है। हेलो गाइस, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस, अगर आप लोगों को मेरा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। साथ के साथ आप बेल आइकन पर भी क्लिक कर सकते हैं, जिससे कि आपको जल्द से जल्द हमारी मूवी की रिव्यू के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। गाइस, आप हमारे वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। गाइस, आप हमसे जुड़े रहने के लिए, अधिक जुड़े रहने के लिए आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक पेज पर भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सो गाइस, आज जो मैं मूवी लेकर आई हूँ ये एक हॉलीवुड मूवी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। आई होप आप लोगों को इस मूवी में काफ़ी मज़ा आने वाला, बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है। सो गाइस, इस मूवी का जो नाम है वो नाम है मैजिक वैली। मैजिक वैली जो मूवी है ये 2011 में रिलीज़ हुई थी। गाइस, ये मूवी एक अमेरिकन ड्रामा फिल्म रही है, डायरेक्टर बाय जेफी जेन, और स्टार जो रहे हैं इसके स्कॉट ग्लिन और कैली गैडनर और एलिसन एलियट और ब्रांड विलियम हैंक और मैथ्यू ग्रे गुबलर एंड विल एस्ट स्टीज। सो गाइज, अब इस मूवी के बारे में थोड़े डिटेल्स में ब्रीफ में जान लेते हैं। गाइज, इस मूवी के जो डायरेक्टर हों जेफी जिन हैं, और रिटन बाय जेफी जिन, प्रोड्यूस बाय हेटर रे, और इस मूवी के जो स्टार रहे हैं वो स्कॉट ग्लिन रहे हैं, कैली गैलनर रहे हैं, एलिसन एलियट रहे हैं, ब्रैड विलम हैनकी रहे हैं, मैथ्यू ग्रे गुबलर रहे हैं और विल एस्टेट रहे हैं। इस मूवी को जो एडिट किया है वो जेफी जिन ने किया है, और म्यूज़िक बाय जो दिया है वो मैट्स हेल बर्ग ने दिया है, स्टीव डेमस्ट्रा ने दिया है। सो गाइस, इस मूवी के जो प्रोडक्शन कंपनीज रहे हैं वो प्रोमिनेंट पिक्चर्स रहे हैं, हजार्ड फिल्म वर्क्स रहे हैं और फॉक्सटेल प्रोडक्शन रहे हैं। जान लेते हैं अब इस मूवी की रिलीजिंग डेट, रनिंग टाइम और कंट्री और लैंग्वेज। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी वो प्रोमिनेंट पिक्चर्स और हजार्ड फिल्म वर्क्स और फॉक्सटेल प्रोडक्शन रही हैं। सो गाइस, मूवी की जो रिलीजिंग डेट रही है वो दो रिलीजिंग डेट रही है। फर्स्ट वन जो थी वो 31 अक्टूबर 2011 रही है रोम फिल्म फेस्टिवल में, और सेकंड वन जो थी वो 9 अप्रैल 2013 रही है VOD में। इस मूवी की जो रनिंग टाइम रहा है वो 85 मिनट्स रहा है। कंट्री इसकी यूनाइटेड स्टेट रही है, लैंग्वेज इसकी इंग्लिश रही है। हेलो गाइस, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस, अगर आप लोगों को मेरा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। साथ के साथ आप बेल आइकन पर भी क्लिक कर सकते हैं, जिससे कि आपको जल्द से जल्द हमारी मूवी की रिव्यू के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। गाइस, आप हमारे वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। गाइस, आप हमसे जुड़े रहने के लिए, अधिक जुड़े रहने के लिए आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक पेज पर भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सो गाइस, आज जो मैं मूवी लेकर आई हूँ ये एक हॉलीवुड मूवी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। आई होप आप लोगों को इस मूवी में काफ़ी मज़ा आने वाला, बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है। सो गाइस, इस मूवी का जो नाम है वो नाम है मैजिक वैली।
मैजिक वैली जो मूवी है ये 2011 में रिलीज़ हुई थी गाइस। ये मूवी एक अमेरिकन ड्रामा फिल्म रही है, डायरेक्टर बाय जेफी जेन और स्टार जो रहे हैं इसके स्कॉट ग्लिन और कैली गैडनर और एलिसन एलियट और ब्रांड विलियम हैंक और मैथ्यू ग्रे गुबलर एंड विल एस्ट स्टीज। सो गाइज अब इस मूवी के बारे में थोड़े डिटेल्स में ब्रीफ में जान लेते हैं। गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हों जेफी जिन हैं और रिटन बाय जेफी जिन प्रोड्यूस बाय हेटर रे और इस मूवी के जो स्टार रहे हैं वह स्कॉट ग्लिन रहे हैं, कैली गेलनर रहे हैं, एलिसन एलियट रहे हैं, ब्रैड विलम हैनकी रहे हैं, मैथ्यू ग्रे गुबलर रहे हैं और विल एस्टेट रहे हैं। इस मूवी को जो एडिट किया है वो जेफी जिन ने किया है और म्यूजिक बाय जो दिया है वो मैट्स हेल बर्ग ने दिया है, स्टीव डेमस्ट्रा ने दिया है। सो गाइस इस मूवी के जो प्रोडक्शन कंपनीज रहे हैं वो प्रोमिनेंट पिक्चर्स रहे हैं, हजार्ड फिल्म वर्क्स रहे हैं और फॉक्सटेल प्रोडक्शन रहे हैं। जान लेते हैं अब इस मूवी की रिलीजिंग डेट, रनिंग टाइम और कंट्री और लैंग्वेज। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी वो प्रोमिनेंट पिक्चर्स और हजार्ड फिल्म वर्क्स और फॉक्सटेल प्रोडक्शन रही हैं। सो गाइस इस मूवी की जो रिलीजिंग डेट रही है वो दो रिलीजिंग डेट रही है। फर्स्ट वन जो थी वो 31 अक्टूबर 2011 रही है रोम फिल्म फेस्टिवल में और सेकंड वन जो थी वो 9 अप्रैल 2013 रही है वीओडी में। इस मूवी की जो रनिंग टाइम रहा है वो 85 मिनट्स रहा है। कंट्री इसकी यूनाइटेड स्टेट रही है, लैंग्वेज इसकी इंग्लिश रही है। हेलो गाइस वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस अगर आप लोगों को मेरा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। साथ के साथ आप बेल आइकन पर भी क्लिक कर सकते हैं जिससे कि आपको जल्द से जल्द हमारी मूवी की रिव्यू के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। गाइज आप हमारे वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। गाइज आप हमसे जुड़े रहने के लिए, अधिक जुड़े रहने के लिए आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक पेज पर भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सो गाइज आज जो मैं मूवी लेकर आई हूँ ये एक हॉलीवुड मूवी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। आई होप आप लोगों को इस मूवी में काफ़ी मज़ा आने वाला, बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है। सो गाइज इस मूवी का जो नाम है वो नाम है मैजिक वैली। मैजिक वैली जो मूवी है ये 2011 में रिलीज़ हुई थी। गाइज ये मूवी एक अमेरिकन ड्रामा फिल्म रही है, डायरेक्टर बाय जेफी जेन और स्टार जो रहे हैं इसके स्कॉट ग्लिन और कैली गैडनर और एलिसन एलियट और ब्रांड विलियम हैंक और मैथ्यू ग्रे गुबलर एंड विल एस्ट स्टीज। सो गाइज अब इस मूवी के बारे में थोड़े डिटेल्स में ब्रीफ में जान लेते हैं। गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हों जेफी जिन हैं और रिटन बाय जेफी जिन प्रोड्यूस बाय हेटर रे और इस मूवी के जो स्टार रहे हैं वह स्कॉट ग्लिन रहे हैं, कैली गेलनर रहे हैं, एलिसन एलियट रहे हैं, ब्रैड विलम हैनकी रहे हैं, मैथ्यू ग्रे गुबलर रहे हैं और विल एस्टेट रहे हैं। इस मूवी को जो एडिट किया है वो जेफी जिन ने किया है और म्यूजिक बाय जो दिया है वो मैट्स हेल बर्ग ने दिया है, स्टीव डेमस्ट्रा ने दिया है। सो गाइस इस मूवी के जो प्रोडक्शन कंपनीज रहे हैं वो प्रोमिनेंट पिक्चर्स रहे हैं, हजार्ड फिल्म वर्क्स रहे हैं और फॉक्सटेल प्रोडक्शन रहे हैं। जान लेते हैं अब इस मूवी की रिलीजिंग डेट, रनिंग टाइम और कंट्री और लैंग्वेज। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी वो प्रोमिनेंट पिक्चर्स और हजार्ड फिल्म वर्क्स और फॉक्सटेल प्रोडक्शन रही हैं।
सो गाइस, मूवी की जो रिलीजिंग डेट रही है वो दो रिलीजिंग डेट रही है। फर्स्ट वन जो थी वो 31 अक्टूबर 2011 रही है रोम फिल्म फेस्टिवल में, और सेकंड वन जो थी वो 9 अप्रैल 2013 रही है VOD में। इस मूवी की जो रनिंग टाइम रहा है वो 85 मिनट्स रहा है। कंट्री इसकी यूनाइटेड स्टेट रही है, लैंग्वेज इसकी इंग्लिश रही है। हेलो गाइस, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस, अगर आप लोगों को मेरा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। साथ के साथ आप बेल आइकन पर भी क्लिक कर सकते हैं, जिससे कि आपको जल्द से जल्द हमारी मूवी की रिव्यू के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। गाइस, आप हमारे वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। गाइस, आप हमसे जुड़े रहने के लिए, अधिक जुड़े रहने के लिए आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक पेज पर भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सो गाइस, आज जो मैं मूवी लेकर आई हूँ ये एक हॉलीवुड मूवी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। आई होप आप लोगों को इस मूवी में काफ़ी मज़ा आने वाला, बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है। सो गाइस, इस मूवी का जो नाम है वो नाम है मैजिक वैली। मैजिक वैली जो मूवी है ये 2011 में रिलीज़ हुई थी। गाइस, ये मूवी एक अमेरिकन ड्रामा फिल्म रही है, डायरेक्टर बाय जेफी जेन, और स्टार जो रहे हैं इसके स्कॉट ग्लिन और कैली गैडनर और एलिसन एलियट और ब्रांड विलियम हैंक और मैथ्यू ग्रे गुबलर एंड विल एस्टीज। सो गाइस, अब इस मूवी के बारे में थोड़े डिटेल्स में ब्रीफ में जान लेते हैं। गाइस, इस मूवी के जो डायरेक्टर हों जेफी जिन हैं, और रिटन बाय जेफी जिन, प्रोड्यूस बाय हेटर रे, और इस मूवी के जो स्टार रहे हैं वो स्कॉट ग्लिन रहे हैं, केली गैलनर रहे हैं, एलिसन एलियट रहे हैं, ब्रैड विलम हैनकी रहे हैं, मैथ्यू ग्रे गुबलर रहे हैं और विल एस्टेट रहे हैं। इस मूवी को जो एडिट किया है वो जेफी जिन ने किया है, और म्यूज़िक बाय जो दिया है वो मैट्स हेल्बर्ग ने दिया है, स्टीव डेमस्ट्रा ने दिया है। सो गाइस, इस मूवी के जो प्रोडक्शन कंपनीज रहे हैं वो प्रोमिनेंट पिक्चर्स रहे हैं, हजार्ड फिल्म वर्क्स रहे हैं और फॉक्सटेल प्रोडक्शन रहे हैं। जान लेते हैं अब इस मूवी की रिलीजिंग डेट, रनिंग टाइम और कंट्री और लैंग्वेज। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी वो प्रोमिनेंट पिक्चर्स और हजार्ड फिल्म वर्क्स और फॉक्सटेल प्रोडक्शन रही हैं। सो गाइस, इस मूवी की जो रिलीजिंग डेट रही है वो दो रिलीजिंग डेट रही है। फर्स्ट वन जो थी वो 31 अक्टूबर 2011 रही है रोम फिल्म फेस्टिवल में, और सेकंड वन जो थी वो 9 अप्रैल 2013 रही है VOD में। इस मूवी की जो रनिंग टाइम रहा है वो 85 मिनट्स रहा है। कंट्री इसकी यूनाइटेड स्टेट रही है, लैंग्वेज इसकी इंग्लिश रही है। हेलो गाइस, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस, अगर आप लोगों को मेरा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। साथ के साथ आप बेल आइकन पर भी क्लिक कर सकते हैं, जिससे कि आपको जल्द से जल्द हमारी मूवी की रिव्यू के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। गाइस, आप हमारे वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। गाइस, आप हमसे जुड़े रहने के लिए, अधिक जुड़े रहने के लिए आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक पेज पर भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सो गाइस, आज जो मैं मूवी लेकर आई हूँ ये एक हॉलीवुड मूवी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। आई होप आप लोगों को इस मूवी में काफ़ी मज़ा आने वाला, बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है। सो गाइस, इस मूवी का जो नाम है वो नाम है मैजिक वैली।
मैजिक वैली जो मूवी है ये 2011 में रिलीज़ हुई थी गाइस। ये मूवी एक अमेरिकन ड्रामा फिल्म रही है, डायरेक्टर बाय जेफी जेन और स्टार जो रहे हैं इसके स्कॉट ग्लिन और कैली गैडनर और एलिसन एलियट और ब्रांड विलियम हैंक और मैथ्यू ग्रे गुबलर एंड विल स्टीज। सो गाइज अब इस मूवी के बारे में थोड़े डिटेल्स में ब्रीफ में जान लेते हैं। गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हों जेफी जिन रहे हैं और रिटन बाय जेफी जिन, प्रोड्यूस बाय हेटर रे और इस मूवी के जो स्टार रहे हैं वह स्कॉट ग्लिन रहे हैं, केली केलनर रहे हैं, एलिसन एलियोट रहे हैं, ब्रैड विलम हैनकी रहे हैं, मैथ्यू ग्रे गुबलर रहे हैं और विल एस्टेट रहे हैं। इस मूवी को जो एडिट किया है वो जेफी जिन ने किया है और म्यूजिक बाय जो दिया है वो मैड्स हेल बर्ग ने दिया है, स्टीव डेमस्ट्रा ने दिया है। सो गाइस इस मूवी के जो प्रोडक्शन कंपनीज रहे हैं वो प्रोमिनेंट पिक्चर्स रही हैं, हजार्ड फिल्म वर्क्स रहे हैं और फॉक्सटेल प्रोडक्शन रहे हैं। जान लेते हैं अब इस मूवी की रिलीजिंग डेट, रनिंग टाइम और कंट्री और लैंग्वेज। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी वो प्रोमिनेंट पिक्चर्स और हजार्ड फिल्म वर्क्स और फॉक्सटेल प्रोडक्शन रही हैं। सो गाइस इस मूवी की जो रिलीजिंग डेट रही है वो दो रिलीजिंग डेट रही है। फर्स्ट वन जो थी वो 31 अक्टूबर 2011 रही है रोम फिल्म फेस्टिवल में और सेकंड वन जो थी वो 9 अप्रैल 2013 रही है VOD में। इस मूवी की जो रनिंग टाइम रहा है वो 85 मिनट्स रहा है। कंट्री इसकी यूनाइटेड स्टेट रही है, लैंग्वेज इसकी इंग्लिश रही है। हेलो गाइस वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे। गाइस अगर आप लोगों को मेरा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। साथ के साथ आप बेल आइकन पर भी क्लिक कर सकते हैं जिससे कि आपको जल्द से जल्द हमारी मूवी की रिव्यू के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। गाइज आप हमारे वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। गाइज आप हमसे जुड़े रहने के लिए, अधिक जुड़े रहने के लिए आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक पेज पर भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सो गाइज आज जो मैं मूवी लेकर आई हूँ ये एक हॉलीवुड मूवी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। आई होप आप लोगों को इस मूवी में काफ़ी मज़ा आने वाला, बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है। सो गाइज इस मूवी का जो नाम है वो नाम है मैजिक वैली। मैजिक वैली जो मूवी है ये 2011 में रिलीज़ हुई थी। गाइस ये मूवी एक अमेरिकन ड्रामा फिल्म रही है, डायरेक्टर बाय जेफी जेन और स्टार जो रहे हैं इसके स्कॉट ग्लिन और कैली गैडनर और एलिसन एलियट और ब्रांड विलियम हैंक और मैथ्यू ग्रे गुबलर एंड विल स्टीज। सो गाइज अब इस मूवी के बारे में थोड़े डिटेल्स में ब्रीफ में जान लेते हैं। गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हों जेफी जिन रहे हैं और रिटन बाय जेफी जिन, प्रोड्यूस बाय हेटर रे और इस मूवी के जो स्टार रहे हैं वह स्कॉट ग्लिन रहे हैं, केली केलनर रहे हैं, एलिसन एलियट रहे हैं, ब्रैड विलम हैनकी रहे हैं, मैथ्यू ग्रे गुबलर रहे हैं और विल एस्टेट रहे हैं। इस मूवी को जो एडिट किया है वो जेफी जिन ने किया है और म्यूजिक बाय जो दिया है वो मैड्स हेल बर्ग ने दिया है, स्टीव डेमस्ट्रा ने दिया है। सो गाइस इस मूवी के जो प्रोडक्शन कंपनीज रहे हैं वो प्रोमिनेंट पिक्चर्स रही हैं, हजार्ड फिल्म वर्क्स रहे हैं और फॉक्सटेल प्रोडक्शन रहे हैं। जान लेते हैं अब इस मूवी की रिलीजिंग डेट, रनिंग टाइम और कंट्री और लैंग्वेज। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी वो प्रोमिनेंट पिक्चर्स और हजार्ड फिल्म वर्क्स और
फॉक्सटेल प्रोडक्शन रही है। सो गाइस, मूवी की जो रिलीजिंग डेट रही है वो दो रिलीजिंग डेट रही है। फर्स्ट वन जो थी वो 31 अक्टूबर 2011 रही है रोम फिल्म फेस्टिवल में, और सेकंड वन जो थी वो 9 अप्रैल 2013 रही है VOD में। इस मूवी की जो रनिंग टाइम रहा है वो 85 मिनट्स रहा है। कंट्री इसकी यूनाइटेड स्टेट रही है, लैंग्वेज इसकी इंग्लिश रही है। हेलो गाइस, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस, अगर आप लोगों को मेरा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। साथ के साथ आप बेल आइकन पर भी क्लिक कर सकते हैं, जिससे कि आपको जल्द से जल्द हमारी मूवी की रिव्यू के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। गाइस, आप हमारे वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। गाइस, आप हमसे जुड़े रहने के लिए, अधिक जुड़े रहने के लिए आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक पेज पर भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सो गाइस, आज जो मैं मूवी लेकर आई हूँ ये एक हॉलीवुड मूवी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। आई होप आप लोगों को इस मूवी में काफ़ी मज़ा आने वाला, बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है। सो गाइस, इस मूवी का जो नाम है वो नाम है मैजिक वैली। मैजिक वैली जो मूवी है ये 2011 में रिलीज़ हुई थी। गाइस, ये मूवी एक अमेरिकन ड्रामा फिल्म रही है, डायरेक्टर बाय जेफी जेन, और स्टार जो रहे हैं इसके स्कॉट ग्लिन और कैली गैडनर और एलिसन एलियट और ब्रांड विलियम हैंक और मैथ्यू ग्रे गुबलर एंड विल स्टीज। सो गाइस, अब इस मूवी के बारे में थोड़े डिटेल्स में ब्रीफ में जान लेते हैं। गाइस, इस मूवी के जो डायरेक्टर हों जेफी जिन हैं, और रिटन बाय जेफी जिन, प्रोड्यूस बाय हेटर रे, और इस मूवी के जो स्टार रहे हैं वो स्कॉट ग्लिन रहे हैं, केली गैलनर रहे हैं, एलिसन एलियट रहे हैं, ब्रैड विलियम हैनकी रहे हैं, मैथ्यू ग्रे गुबलर रहे हैं और विल एस्टेट रहे हैं। इस मूवी को जो एडिट किया है वो जेफी जिन ने किया है, और म्यूज़िक बाय जो दिया है वो मैट्स हेल बर्ग ने दिया है, स्टीव डेमस्ट्रा ने दिया है। सो गाइस, इस मूवी के जो प्रोडक्शन कंपनीज रहे हैं वो प्रोमिनेंट पिक्चर्स रहे हैं, हजार्ड फिल्म वर्क्स रहे हैं और फॉक्सटेल प्रोडक्शन रहे हैं। जान लेते हैं अब इस मूवी की रिलीजिंग डेट, रनिंग टाइम और कंट्री और लैंग्वेज। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी वो प्रोमिनेंट पिक्चर्स और हजार्ड फिल्म वर्क्स और फॉक्सटेल प्रोडक्शन रही हैं। सो गाइस, मूवी की जो रिलीजिंग डेट रही है वो दो रिलीजिंग डेट रही है। फर्स्ट वन जो थी वो 31 अक्टूबर 2011 रही है रोम फिल्म फेस्टिवल में, और सेकंड वन जो थी वो 9 अप्रैल 2013 रही है VOD में। इस मूवी की जो रनिंग टाइम रहा है वो 85 मिनट्स रहा है। कंट्री इसकी यूनाइटेड स्टेट रही है, लैंग्वेज इसकी इंग्लिश रही है। हेलो गाइस, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस, अगर आप लोगों को मेरा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। साथ के साथ आप बेल आइकन पर भी क्लिक कर सकते हैं, जिससे कि आपको जल्द से जल्द हमारी मूवी की रिव्यू के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। गाइस, आप हमारे वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। गाइस, आप हमसे जुड़े रहने के लिए, अधिक जुड़े रहने के लिए आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक पेज पर भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सो गाइस, आज जो मैं मूवी लेकर आई हूँ ये एक हॉलीवुड मूवी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। आई होप आप लोगों को इस मूवी में काफ़ी मज़ा आने वाला, बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है। सो गाइस, इस मूवी का जो नाम है वो नाम है मैजिक वैली।
मैजिक वैली जो मूवी है ये 2011 में रिलीज़ हुई थी गाइस। ये मूवी एक अमेरिकन ड्रामा फिल्म रही है, डायरेक्टर बाय जेफी जेन और स्टार जो रहे हैं इसके स्कॉट ग्लिन और कैली गैडनर और एलिसन एलियट और ब्रांड विलियम हैंक और मैथ्यू ग्रे गुबलर एंड विल स्टीज। सो गाइज अब इस मूवी के बारे में थोड़े डिटेल्स में ब्रीफ में जान लेते हैं। गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हों जेफी जिन रहे हैं और रिटन बाय जेफी जिन, प्रोड्यूस बाय हेटर रे और इस मूवी के जो स्टार रहे हैं वह स्कॉट ग्लिन रहे हैं, केली गेलनर रहे हैं, एलिसन एलियोट रहे हैं, ब्रैड विलम हैनकी रहे हैं, मैथ्यू ग्रे गुबलर रहे हैं और विल एस्टेट रहे हैं। इस मूवी को जो एडिट किया है वो जेफी जिन ने किया है और म्यूजिक बाय जो दिया है वो मैड्स हेल बर्ग ने दिया है, स्टीव डेमस्ट्रा ने दिया है। सो गाइस इस मूवी के जो प्रोडक्शन कंपनीज रहे हैं वो प्रोमिनेंट पिक्चर्स रही हैं, हजार्ड फिल्म वर्क्स रहे हैं और फॉक्सटेल प्रोडक्शन रहे हैं। जान लेते हैं अब इस मूवी की रिलीजिंग डेट, रनिंग टाइम और कंट्री और लैंग्वेज। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी वो प्रोमिनेंट पिक्चर्स और हजार्ड फिल्म वर्क्स और फॉक्सटेल प्रोडक्शन रही हैं। सो गाइस इस मूवी की जो रिलीजिंग डेट रही है वो दो रिलीजिंग डेट रही है। फर्स्ट वन जो थी वो 31 अक्टूबर 2011 रही है रोम फिल्म फेस्टिवल में, और सेकंड वन जो थी वो 9 अप्रैल 2013 रही है VOD में। इस मूवी की जो रनिंग टाइम रहा है वो 85 मिनट्स रहा है। कंट्री इसकी यूनाइटेड स्टेट रही है, लैंग्वेज इसकी इंग्लिश रही है। हेलो गाइस वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस अगर आप लोगों को मेरा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। साथ के साथ आप बेल आइकन पर भी क्लिक कर सकते हैं जिससे कि आपको जल्द से जल्द हमारी मूवी की रिव्यू के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। गाइज आप हमारे वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। गाइज आप हमसे जुड़े रहने के लिए, अधिक जुड़े रहने के लिए आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक पेज पर भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सो गाइज आज जो मैं मूवी लेकर आई हूँ ये एक हॉलीवुड मूवी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। आई होप आप लोगों को इस मूवी में काफ़ी मज़ा आने वाला, बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है। सो गाइज इस मूवी का जो नाम है वो नाम है मैजिक वैली। मैजिक वैली जो मूवी है ये 2011 में रिलीज़ हुई थी। गाइस ये मूवी एक अमेरिकन ड्रामा फिल्म रही है, डायरेक्टर बाय जेफी जेन और स्टार जो रहे हैं इसके स्कॉट ग्लिन और कैली गैडनर और एलिसन एलियट और ब्रांड विलियम हैंक और मैथ्यू ग्रे गुबलर एंड विल स्टीज। सो गाइज अब इस मूवी के बारे में थोड़े डिटेल्स में ब्रीफ में जान लेते हैं। गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हों जेफी जिन रहे हैं और रिटन बाय जेफी जिन, प्रोड्यूस बाय हेटर रे और इस मूवी के जो स्टार रहे हैं वह स्कॉट ग्लिन रहे हैं, केली गेलनर रहे हैं, एलिसन एलियोट रहे हैं, ब्रैड विलम हैनकी रहे हैं, मैथ्यू ग्रे गुबलर रहे हैं और विल एस्टेट रहे हैं। इस मूवी को जो एडिट किया है वो जेफी जिन ने किया है और म्यूजिक बाय जो दिया है वो मैड्स हेल बर्ग ने दिया है, स्टीव डेमस्ट्रा ने दिया है। सो गाइस इस मूवी के जो प्रोडक्शन कंपनीज रहे हैं वो प्रोमिनेंट पिक्चर्स रही हैं, हजार्ड फिल्म वर्क्स रहे हैं और फॉक्सटेल प्रोडक्शन रहे हैं। जान लेते हैं अब इस मूवी की रिलीजिंग डेट, रनिंग टाइम और कंट्री और लैंग्वेज। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी वो प्रोमिनेंट पिक्चर्स और हजार्ड फिल्म वर्क्स और
फॉक्सटेल प्रोडक्शन रही है। सो गाइस, मूवी की जो रिलीजिंग डेट रही है वो दो रिलीजिंग डेट रही है। फर्स्ट वन जो थी वो 31 अक्टूबर 2011 रही है रोम फिल्म फेस्टिवल में, और सेकंड वन जो थी वो 9 अप्रैल 2013 रही है VOD में। इस मूवी की जो रनिंग टाइम रहा है वो 85 मिनट्स रहा है। कंट्री इसकी यूनाइटेड स्टेट रही है, लैंग्वेज इसकी इंग्लिश रही है। हेलो गाइस, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस, अगर आप लोगों को मेरा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। साथ के साथ आप बेल आइकन पर भी क्लिक कर सकते हैं, जिससे कि आपको जल्द से जल्द हमारी मूवी की रिव्यू के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। गाइस, आप हमारे वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। गाइस, आप हमसे जुड़े रहने के लिए, अधिक जुड़े रहने के लिए आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक पेज पर भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सो गाइस, आज जो मैं मूवी लेकर आई हूँ ये एक हॉलीवुड मूवी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। आई होप आप लोगों को इस मूवी में काफ़ी मज़ा आने वाला, बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है। सो गाइस, इस मूवी का जो नाम है वो नाम है मैजिक वैली। मैजिक वैली जो मूवी है ये 2011 में रिलीज़ हुई थी। गाइस, ये मूवी एक अमेरिकन ड्रामा फिल्म रही है, डायरेक्टर बाय जेफी जेन, और स्टार जो रहे हैं इसके स्कॉट ग्लिन और कैली गैडनर और एलिसन एलियट और ब्रांड विलियम हैंक और मैथ्यू ग्रे गुबलर एंड विल स्टीज। सो गाइस, अब इस मूवी के बारे में थोड़े डिटेल्स में ब्रीफ में जान लेते हैं। गाइस, इस मूवी के जो डायरेक्टर हों जेफी जिन हैं, और रिटन बाय जेफी जिन, प्रोड्यूस बाय हेटर रे, और इस मूवी के जो स्टार रहे हैं वो स्कॉट ग्लिन रहे हैं, केली गैलनर रहे हैं, एलिसन एलियट रहे हैं, ब्रैड विलियम हैनकी रहे हैं, मैथ्यू ग्रे गुबलर रहे हैं और विल एस्टेट रहे हैं। इस मूवी को जो एडिट किया है वो जेफी जिन ने किया है, और म्यूज़िक बाय जो दिया है वो मैट्स हेल बर्ग ने दिया है, स्टीव डेमस्ट्रा ने दिया है। सो गाइस, इस मूवी के जो प्रोडक्शन कंपनीज रहे हैं वो प्रोमिनेंट पिक्चर्स रही हैं, हजार्ड फिल्म वर्क्स रहे हैं और फॉक्सटेल प्रोडक्शन रहे हैं। जान लेते हैं अब इस मूवी की रिलीजिंग डेट, रनिंग टाइम और कंट्री और लैंग्वेज। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी वो प्रोमिनेंट पिक्चर्स और हजार्ड फिल्म वर्क्स और फॉक्सटेल प्रोडक्शन रही हैं। सो गाइस, मूवी की जो रिलीजिंग डेट रही है वो दो रिलीजिंग डेट रही है। फर्स्ट वन जो थी वो 31 अक्टूबर 2011 रही है रोम फिल्म फेस्टिवल में, और सेकंड वन जो थी वो 9 अप्रैल 2013 रही है VOD में। इस मूवी की जो रनिंग टाइम रहा है वो 85 मिनट्स रहा है। कंट्री इसकी यूनाइटेड स्टेट रही है, लैंग्वेज इसकी इंग्लिश रही है।